नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सरकार के हालात और आप लोगों की सरकार कितनी सुनवाई करती है। और दूसरी बात यार, देखा जाए तो इसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बजट पास करती है, नो डाउट राजस्थान गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ का होती है? ये प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर आप विदेश से आ रहे हो। हेडिंग में सुना देता हूँ आपको पढ़ के, परदेश में दर्द झेला। जी हाँ साथियों, परदेश में आप लोगों ने दर्द झेला, अपने वतन में भी बदहाली। यानी विदेश में तो आप परेशान होते होते जैसे तैसे करके इंडिया मर पड़ के पहुंच जाते हो, और इंडिया आने के बाद आप लोगों के साथ रियलिटी का सामना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बात करेंगे साथियों, कुवैत से कुछ बंदे आए थे और राजस्थान के भी थे, उनमें कुवैत से बंदे आए थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे। मैं बता दूं आपको, 163 यानी 163 प्रवासी कामगार कुवैत से इंडिया आए थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे, उनको वहां पे क्वारंटाइन किया गया। बढ़िया रहेगा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। भाई ध्यान रख लेना, आप विदेश से आ रहे हो ना, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले से परिस्थितियों के लिए तैयार होकर रहना चाहिए ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो और तैयारी से करके रहो। सुन लीजिए, परदेश में दर्द झेला, अपने वतन में भी बदहाली। कुवैत से आए वागड़ के प्रवासियों का मामला, गुजरात के खेड़ा ब्रा क्वारंटाइन सेंटर में अवस्थाएं, पानी की एक बूंद को तरस गए एक युवक बेसुध डूंगरपुर। हमारा राजस्थान का ये बंदा था, कोरोना महामारी के खौफ में बीच महीनों तक कुवैत में दर्द झेल रहे वागड़वासियों की वतन वापसी शुरू हुई, लेकिन यहाँ आने पर उन्होंने परेशानियां झेलनी पड़ी। गुजरात के खेड़ा ब्रा के समीप क्वारंटाइन सेंटर पर डूंगरपुर बांसवाड़े के प्रवासियों को रखा, वहाँ व्यापक अवस्थाओं से लोग परेशान हैं। कई घंटों तक पानी नहीं मिलने से बांसवाड़ा का एक प्रवासी तो बेसुध तक हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के 163 प्रवासी मंगलवार को फ्लाइट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। गुजरात सरकार की ओर से खेड़ाबरा के आगिया गांव के मॉडल विद्यालय भवन में क्वारंटाइन किया गया। बुधवार तड़के सभी प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे, यानी मंगलवार को पहुंचे थे, बुधवार को सुबह जल्दी पहुंच गए थे क्वारंटाइन सेंटर। वहाँ चिकित्सा विभाग ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की, सुबह होने तक उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, काफ़ी हो अल्ला मचा। प्रवासी बेहोश हो, पानी नहीं मिलने के लिए एक बंदा साथियों बता दूं आपको बेहोश हो गया था। वहाँ के लोगों ने हो अल्लाह किया, तब जाके उनको पानी की व्यवस्था हो चुकी। यानी क्वारंटाइन सेंटर पे ये व्यवस्था थी, मंगलवार रात को पहुँचते हैं, बुधवार को 2-2.5 बजे उनको खाना दिया जाता है। अब आप सोचिए जी, सुनिए आप, क्वारंटाइन सेंटर में सुबह तक पानी नहीं मिलने पर बांसवाड़ा निवासी अशोक पाटीदार बेसुध होकर गिर पड़ा। साथियों ने उसे संभाला, दैसे तैसे करके पानी मंगवा कर उसे पिलाया। बाद में उसकी तबीयत ठीक नहीं होने पर खेड़ाबरा के चिकित्सालय में भर्ती कराया। युवक के बेसुध होने पर शेष प्रवासियों ने जमकर हंगामा किया, तब कहीं जाकर पेयजल की व्यवस्था हो पाई। इसके बाद भोजन की व्यवस्था 2:30 बजे उपलब्ध करवाया गया। सरकार के विरुद्ध नाराबाजी। जी हाँ साथियों, क्वारंटाइन सेंटर पर सफाई भी नहीं थी, शौचालय गंदगी से अटे थे, बिस्तरों पर चींटियां घूम रही थी, अव्यवस्थाओं पर घुसाए प्रवासियों ने गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। जी हाँ साथियों, तो आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ भाई आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तैयारी करके आए। अगर गवर्नमेंट या कर्मचारी ऐसे नाटकबाजी करते हैं, आपको सुविधा नहीं मिलती है, तो अपने प्रोटेक्शन आपको अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, आप उनकी बैंड बजा सकते हैं, समझ गए आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बजट पेश करती है, नो डाउट सरकार अपने अकाउंट में दिखाएगी हमने करोड़ों रुपए प्रवासियों के लिए खर्च किए। जी हाँ साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछली बार दिखाया था 1 महीने में 7 करोड़ रुपए लोगों पे खर्च कर दिए, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ हाँ पैसे निकल गए अकाउंट से, नो डाउट, लेकिन आम आदमी तक वो पैसे नहीं पहुंचे, वो सुविधाएं नहीं मिली। मुझे पता है इस बात का और आपको भी पता होगा भाई, अगर सुविधाएं मिलती तो आज ये नौबत नहीं आती कि पानी की बूंद के लिए इंसान मरने के कगार पे पहुंच गया। किसकी लापरवाही से? जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो वहाँ के कर्मचारी, उनकी लापरवाही से। तो माइंड सेट करके आए, क्योंकि 150 से करीब लोग आते हो आप, अगर आपको लगता है कि सुविधा नहीं, नाजायज तो नहीं होना चाहिए भाई। सही तरीके से आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है तो नाराबाजी करना, सोशल मीडिया पे डालना, उनकी बैंड बजाना, ये आपके अधिकार है। और ये करोगे ना तभी वो उनके वो लाइन हाजिर होंगे, समझ गए आपको। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।